अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन और हम इसमें पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 966 इफ वन नंबर इज 23 फॉर द अदर नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो है 966 If one number is 23, अगर इसका एक नंबर 23 है तो आप बोलिए अदर नंबर, फाइंड कीजिए अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 966। जैसे कि 4 है प्रोडक्ट, एक नंबर उसका है 2 इंटू कुछ और है जो कि मुझे प्रोडक्ट आया है 4। ऐसे ही इसको प्रोडक्ट आया है दो नंबर्स का 966। इसमें एक नंबर इसको है 23 इंटू और कुछ और है जिससे इसको आंसर आया है 966। तो हमें क्या करना है, ये जो दूसरा नंबर है इसी को फाइंड करना है। ये कौन सा नंबर है वहां पे जो इसको इनको इंटू करके ये निकला है 966। तो आंसर क्या लिखोगे, टू फाइंड द अदर नंबर, अदर नंबर को फाइंड करने के लिए वी हैव टू, हम डिवाइड करेंगे, वी हैव टू डिवाइड 966 बाय 23। तो इस नंबर को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 966 को डिवाइड करेंगे किससे, 23, और जो वहां से क्वेश्चन आएगा वही हमारा क्या है, अदर नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिवाइड करेंगे, फॉर्म एन टेंट 966 रखेंगे, 23 यहां से रखेंगे। तो 23 में देखेंगे 96 कहां पे आता है, तो कहां पे आता है 96, 96 23 के टेबल में नहीं आता है, तो हम उससे छोटा देखेंगे, उससे छोटा क्या आता है 23 इंटू 4 92। ठीक है, तो 6 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 46। तो आप देखिए 23 में 46 कहां पे है, तो कहां पे है 23 में 46, 23 इंटू 2 आर 2, 3 आर 6, 2, 2 आर 4, तो 23 इंटू 2 आर 46। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 0 और क्वेश्चन हमारा क्या आया 42। तो ये 42 जो है ये अदर नंबर है, दस द अदर नंबर इज 42। ठीक है, तो हमारा जो अदर नंबर है वो क्या है 42। एक नंबर इसका 23 है, हमें क्या निकालना था इसका अदर नंबर। तो अदर नंबर हमने कैसे निकाला, इन दोनों को डिवाइड किया और जो वहां से जो क्वेश्चन आया वही हमारा क्या है अदर नंबर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है ए नंबर डिवाइड बाय 25 गिव्स 171 एज अ क्वेश्चन एंड 10 एज अ रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 25 के साथ, और वहां से हमें 171 क्वेश्चन मिला एंड 10 रिमाइंडर आया। ठीक है, लेकिन ये नंबर है क्या, हमने क्या बोला एक नंबर को, इस नंबर को हमने डिवाइड किया किसके साथ, 25 के साथ, और हमें वहां से क्वेश्चन मिला 171 और आपका रिमाइंडर आया 10। आपके लिए नंबर क्या है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर है यहाँ पे, क्वेश्चन भी है और रिमाइंडर भी है। तो ये जो नंबर है ये क्या है, डिविडेंड है। तो हमें बोलना है ये क्या डिविडेंड है यहाँ पे, जो कि हमने इसके साथ 25 के साथ डिवाइड किया है, वहां से आया क्वेश्चन 171 और रिमाइंडर आया है हमारा 10। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, अगर हमें डिविडेंड निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, to
find the number of dividend, we have to apply this formula. जब भी हमें डिविडेंड निकालना होगा तो हमें क्या अप्लाई करनी है फॉर्मूला दिस डिविडेंड इज इक्वल टू पोर्शन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड हमें कैसे निकलेगा पोर्शन इनटू डिवाइजर को करके प्लस रिमाइंडर वहां से हमें क्या निकलेगा डिविडेंड. तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन हमारा 171 है दिस इज अ क्वेश्चन और हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 25 है इनटू 25 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 10 है. ठीक है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को पहले क्या करेंगे इनटू करेंगे फिर उससे प्लस करेंगे 10 को. ठीक है तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं इनटू करते हैं तो हमारा क्या आया क्वेश्चन इनटू डिवाइजर करके 4275 प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर हमारा क्या है 10 है तो कितना आएगा 4275 प्लस 5824 इज इक्वल टू 4285. तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है 4285. तो हमारा जो डिविडेंड निकला अदर नंबर जो हमें नंबर निकालना था वो हमें निकला 4285. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ. तो आई होप आप ये सारा चैप्टर जो है अच्छे से मेंटेन करेंगे अपनी कॉपीज में. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे. सो टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़.